बहू की इज्जत खराब कर दी, कि बेटी की इज्जत खराब कर दी, कि बहन की इज्जत खराब कर दी, किसकी इज्जत हमने खराब कर दी? हमारे घर पे नहीं आना, हमारे सब ठीक है। सब हम समझ गए कि तुम सच्चे प्यारे नहीं है, तुम्हारा प्यार झूठा है। क्या चीजें हो गई? मतलब अच्छी बात है ना, आपने तो उनको नहीं छोड़ा ना? नहीं छोड़ा मैंने। आप नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे ही है जैसे ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमारी धक्का दे देती है, या नहीं आना यहाँ, किसी से बात नहीं करना। हमारी छुट्टी हो गई, लौकिक परिवार वाले देखते को कोई ज्ञान में आता है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, और लौकिक परिवार वाले उनको खदेड़ देते, निकलो घर से बाहर, या तो शादी करो या तो घर से बाहर निकल जाओ। तो छुट्टी हो गई ना,
जिम्मेवारी खत्म हो गई। नहीं तो शिव बाबा की तो शिव बाबा हम क्या मूर्ति खाएंगे, ये तुमने अपने घर वालों को ही किया नहीं तुम्हारे। सर यही तो मैं सुबह जिस बाबा ने कहा कि पहले तुम यही ना कल्याण करो, जैसे घर वाले रहे ही नहीं, उन्होंने खदेड़ के बाहर कर दिए। जैसे हम बोलते कि मतलब कुछ है वो तुमके पास जाए तो वो भी ऐसे हैं तो उनके पास जाए सुनाने के लिए तो वो भी इसी तरह से नहीं सुनना चाहेंगे। तुम्हारी खत्म अपने को तो गाना और आगे बढ़ दुनिया बहुत बड़ी है। भगवत के आजकल होटल में शादियाँ होने लगी हैं, घर से शिफ्ट करके होटल में जाते हैं तो उस वातावरण में जाना चाहिए क्या? अच्छा बाहर शादियाँ होना चाहिए तो हो रही है तो नहीं जाना चाहिए। होटल का वातावरण तो बहुत खराब होता है। वही तो बात है, घर में अगर शादी हो तो फिर भी जाए, वहाँ का वातावरण तो बहुत गंदा होता है। माना होटल जो है वो होटल ही रहेंगे, वहाँ नई दुनिया नहीं बनेगी भारत भर से। जाना चाहिए क्या? आप बताइए, आप ये बताइए, जहाँ जहाँ होटल है वहाँ होटल जहाँ जहाँ है वो हिंदुस्तान में कहीं भी स्वर्ग नहीं बनेगा, बनेगा ना? कल्याण तो सबका ही करना, कल्याण तो सबका ही करना। लेकिन अपनी हिम्मत ऐसी दिखाओ कि हम उनके संसर्ग संपर्क में आते हुए भी हम उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे, हम अपनी धारणाओं को तोड़ेंगे नहीं। देखिए खान पान जब पूरा ही बंदोबस्त वही है तो कैसे करें? तो कहीं भी खा लो, ब्रश करके जाओ ना आप लोग, अरे कहीं भी खा लो, दूध कहीं भी पी लो, वो तो पानी है। खाने का नहीं, तीन चार दिन रहना पड़ता है। बाबा तो कहते हैं 5 दिन के लिए दूध में आटा मार करके पूड़िया बना के कहीं भी ले जाओ, 5-6 दिन खाते रहो, कुछ नहीं होता है। घर में पेट भर के जाओ और वहाँ जाकर के थोड़ा सा खा लिया पेट खराब। बाबा ने पीसी भी दिखाई है, एक आदमी खेला हुआ है पहले जान लेते हैं ये ब्रह्मा कुमारी में। अच्छा पहले जान लिया है तो मत बोला, अच्छा पहले जान लिया तो या तो मत बोला, और तुम प्यार जताते हो तो हमारे लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो जरूरी नहीं है कि हम किसी को मुख से सुनाए सभी को समझेगा, हम अच्छे से बर्ताव करते रहें, अपनी चलन अच्छी बनाए रहें, दुनिया से संसर्ग संपर्क में आएगा और हमारे संसर्ग संपर्क में आएगा तो आखिरी तो समझेगा कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। चलन से पूरा उनको चलन का ज्ञान दो, अभी तक निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं चलन चेहरे में हमारे में अभी कुछ जरूर गवाह है, जरूरी थोड़ी है हम उस परिवार को समझाएं, और भी तो लोग आते हैं और भी उनको समझाएं, उनको सुनते हैं, ट्रेन में नहीं सुनते, बस में नहीं सुनते, सुनते हैं तो वहाँ भी शादी में इतने हजारों लोग इकट्ठे होते हैं तो सुनते हैं आप लोग समझते हैं और आएंगे। संतान घाट में जाओ तो वहीं पे भी सुनाना तो होगा, वहाँ ज्यादा लोगों को थोड़ा मैदान होता है, अरे दुनिया में कुछ नहीं पता नहीं कब कभी छूट जाए तो हम रोक तो सकते बाबा ने कहा ड्रामा को आगे नहीं रखना, ड्रामा को सही आगे रखना, हमें तो पता है कि ड्रामा तो जड़ है क्या, 8 वर्ष के ड्यूरेशन का नाम है ड्रामा, समय का नाम है ड्रामा, समय चक्र जो है उसका नाम है ड्रामा, तो समय चक्र जड़ है यह चैतन्य, समय चक्र जड़ है और हम आत्मा, हम तो चैतन्य, चैतन्य में ज्यादा पावर है या जड़ में ज्यादा पावर, चैतन्य में ज्यादा पावर है, हम कोई भी संकल्प कैसे भी किसी समय कर रहे हैं हम जल चाहे तो उन संकल्पों को स्टॉप कर दे, बार बार वो संकल्प हमको तंग करता है, हम बार बार उसे स्टॉप कर दे। बाबा दिन भर नहीं आता लेकिन जब योग करने बैठते हैं तो फिर वही संकल्प आ जाता है। हाँ देखता है कभी ये लड़ाई लड़ने आए
आता नहीं क्यों आता है, ब्रह्मा बिल्कुल नहीं याद रहेगा तुम्हारी, और योग करने बैठे तो तुम्हारा। तो आप लड़ाई लड़ेंगे, तैयार होके आए ना, इसलिए बैठ के याद करना ही नहीं, चलते बैठते उठते बैठते हर समय याद करना। अमृत वेला तो दो घंटा तो बैठना ही पड़ता है, वहाँ भी अगर नींद आने लगे दो सुबह को अमृत वेला, और रोज नींद आने लगे तो कोई काम करना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा क्या कुछ पढ़ना शुरू कर दे या कुछ और काम करना शुरू कर दे, कोई इसलिए सेवा करना शुरू कर दे। जैसे शरीर से परेशानी हो तो फिर क्या करें? एक आदमी की बात करें, इनका कहना ये है कि जागृत अवस्था में तो मन कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जब सो जाते हैं तो उल्टे पलटे संकल्प आते हैं, उसके लिए क्या करें? वो प्रैक्टिस जो बाबा ने बताई है कि आत्म की स्थिति में रहो, सुबह से शाम तक जो आत्म की स्थिति में रहेगा तो रात में स्वप्न भी वही है। जैसे वो मिसाल देते हैं, दुकानदार तो सारा दिन कपड़ा फाड़ता रहता है और रात में सोता है तो अपनी धोती फाड़ देता है। एक बार आपने बताया एलोपैथिक दवाइयाँ लेने से भी संकल्प व्यक्त करने लगते हैं, गलत पहले जब एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं लेते थे, होम्योपैथिक लेते थे, सब कुछ ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जब से एलोपैथिक दवाइयाँ लेने लगे हैं तो नींद में भी व्यक्त कर जाते हैं। एलोपैथी और होम्योपैथी इनमें पुराना कौन सा है? एलोपैथी पुरानी परंपरा है, और जो होम्योपैथी है उसमें भी ऐसी ऐसी दवाइयां हैं, जैसे मकड़ी के पेट के अंदर का लबादा निकालते हैं और उससे दवाई बनाते हैं, तो वो भी है। ऐसे नहीं है कि वो होम्योपैथी सब एक जैसी है। दवाइयों के कारण अगर कुछ हो जाए तो असली चीज है पुरानी से पुरानी पैथी है और नेचुरोपैथी। क्या? पानी, हवा, मिट्टी, इनके द्वारा अपने को कंट्रोल करना, शरीर के कंट्रोल नेचुरोपैथी सबसे अच्छी है, आयुर्वेदिक भी अच्छी है। भारतवर्ष की जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों को उपयोग में लाया जाता है। आज विदेश के लोग जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो भारत की जड़ी बूटियों में फिर आ गए, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो एलोपैथी की दवाइयाँ छोड़ रहे हैं, खा नहीं रहे, खुद नहीं खाते हैं, अपने परिवार वालों को नहीं खिलाते हैं, वो आयुर्वेदिक की तरफ और नेचुरोपैथी की तरफ मुड़ रहे हैं। कोई स्थिति ऐसी होती है बीमारी की कि बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्या जैसे कोई शराब पीने वाला हो और चार से आठ बोतलें रोज पीता हो और उसको तुम एकदम नेचुरोपैथिक ले जाओ तो सुधरेगा? आप एकदम अगर उसे छोड़ देंगे और नेचुरोपैथी पा जाए तो हालत खराब कर देगा। एक दवाई चली है स्टीराइड, कोई भी मरीज को कोई डॉक्टर आजकल के लोगों की वृत्ति हो गई जल्दी ठीक हो जाए, स्टीराइड एक दवाई चली है कि कोई को भी दवाई में मिला करके वो स्टीराइड दे दे तो जल्दी ठीक हो जाए। तो क्या होता है वो स्टीराइड की उसको आदत पड़ जाती है, जब तक वो स्टीराइड की मात्रा उसको न दी जाए तब तक वो ठीक नहीं होता ही नहीं। ऐसे ही एलोपैथी दवाइयों का ऐसा वो केमिकल जो है विषैली चीज है, वो चाहे मनुष्य का शरीर हो और चाहे पेड़ पौधों के लिए जो खाद डाली जाती है, केमिकल दवाइयां डाली जाती हैं, वो दवाइयां वो सात सत्यानाशी है केमिकल से बनी। नेचुरल चीज
सबसे अच्छी है। लेकिन आज की खेती है, उस खेती में जो वर्षों से यूरिया डालते चले आ रहे हैं और खेती करते चले आ रहे हैं, अब उसको एकदम तुम नेचुरोपैथी भी ले आओ, ऑर्गेनिक खेती बनाना चाहो, तो बिल्कुल पैदा नहीं होगा, बीज ही काम नहीं करेगा। तो क्या करना चाहिए, धीरे धीरे नेचुरोपैथी भी करते जाओ और धीरे धीरे उधर से छुड़ाते जाओ एलोपैथी से, तो उल्टा कर दिया होगा। लेकिन जो है जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का क्रम नहीं किया होगा, पर एलोपैथी क्या छोड़ें या क्या करें, एलोपैथी से तो करना जरूरी है। असली बात यह है जिसको निश्चय है वो तो पक्का निश्चय बुद्धि बन जाएगा, लेकिन बाबा ने दवाई लेने के लिए मना भी नहीं किया। क्या तुम तो मुरली में दवाई लेने के लिए मना किया है, ये कहा सबसे बड़ी दवाई है ये कौन सी, याद जो है सबसे बड़ी दवाई है, लेकिन और जो दवाइयां हैं जिनसे शरीर का तंत्र ठीक रहता है वो दवाई लेने के लिए मना भी नहीं किया। क्यों नहीं मना किया, कि क्रिएशन जब से तो हम दवाइयां लेने के आदि हो गए, अब एकदम अगर बंद कर देंगे और हम योग के ऊपर ही आधारित हो जाएंगे तो फिर ऊपर ही क्यों ये बैलेंस में रह करके आगे बढ़े, योग बल भी इतना है नहीं जो हम योग बल से बीमारी को समाप्त कर दें, और जो भोग बल की दवाइयां हैं उनको भी त्याग कर दे पूरा हाल खराब हो जाएगा। भगवान पुरुषार्थ करने का जो समय है ये अंतिम कब तक ऐसा रहेगा कि जो कि जिसमें एक सौ आठ में उसमें आ रहे मान लो अस्तित्व तो बिल्कुल हो ही रहे, अब एक सौ आठ का भी इसकी भी कोई सीमा है टाइम, एक सौ आठ में क्यों पहुंच गए आप, आप क्लियर हो गए क्या, ये तो क्लियर बता रहे हैं बाबा, बता रहे हैं बाबा सिंह बताया कि आठ क्लियर हो गए, आठ तो धीरे होने वाले जल्दी, जो टाइम अभी दो तीन के लिए लगा है लंबा टाइम वो टाइम अब नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी क्लियर होंगे। एक मैं सुना था थोड़ा भाई सात आठ का टाइम है, उसके बाद अगर तन मन धन भी हम अगर लगाएंगे तो रिपोर्ट होता नहीं रुद्रमाला के मणके विजय माला में ऐड होंगे, और विजय माला में ऐड होने के बाद विजयी बनेगी, जब तक विकारों के ऊपर पूरे विजयी न बने तब तक उनको भटकना पड़ेगा। हैं रुद्रमाला के मन के साक्षात रुद्र के बच्चे, शिव के बच्चे हैं, और शिव के बच्चे राजा बनने वाले हैं, राजयोग से जन्म जन्मांतर की राजाई लेते हैं, लेकिन अभी हालत उनकी बहुत खस्ता है, अपनी मनमानी जरूर करते हैं, राजाओं के संस्कार होते हैं अपनी चलाना, तो ये अपनी कब खत्म हो गई है, बटक बटक जब तक पूरा नहीं बढ़ गया, नहीं हाँ पूरा नंबर वार है ना, हमने कुछ सूर्यवंशी है कम बटकने वाले हैं, कुछ चंद्रवंशी है, कुछ ग्रामवंशी है, कोई बौद्धिवंशी है, अलग अलग धर्मों का छिलका तो पड़ा हुआ है। तो अभी तो ये संस्कार इतने टकरा रहे हैं कि जैसे माता और मता रहे हैं, ये संस्कार ऐसे टकरा रहे हैं बहुत ज्यादा टकरा रहे हैं। हाँ त्रेठन जन्म में टकराए होंगे तो अभी टकराएंगे, और इसका कुछ नहीं करेंगे अपना पूरा, जिन आत्माओं के साथ त्रेठन जन्म हिसाब किताब हमने जोड़ा है टेस्ट के साथ जोड़ा है और निष्कर्ष के साथ जोड़ा है, कॉम्पेंट शो करने वालों के साथ जोड़ा, और जो सीधे साधे व्यक्ति के थे उनसे तोड़ दिया, तो वो हिसाब लेने नहीं आएंगे, अपना पूरा हिसाब लेंगे।
बाबा इसकी जन्म जो देवताओं देवता बनने वाली आत्माएं इतना खुशहाल करती हैं ब्रह्म युग से, फिर वो ये इस्लामी बॉडी जब द्वापर युग से उतरते हैं तो उनके प्रभाव में कैसे आ जाते हैं, फिर उनसे श्रेष्ठ खुशहाल करती हैं बाबा की जान में रहती हैं, तो यहाँ प्रभाव में नहीं आए होंगे, यहाँ शूटिंग पीरियड में है, यहाँ इस्लामियों बौद्धियों क्रिश्चियंस जैसे संस्कार वालों के प्रभाव में नहीं आई होंगी वो, अभी तो जैसे सब बच्चे बाबा के समक्ष हैं कैसे पहचान होती है इस ब्रह्म के आत्मा, वो तो अपना अपना आधारित को अपना पता होगा, किसी के पार्ट का दूसरे को पहले पता चलेगा कि अपने पार्ट का अपने को पहले पता चलेगा, तो अंदर अंदर पता चल रहा है ना कि हमारे इस टाइप के संस्कार है, अपने को पता चलना अन्य आत्मा को कैसे पता चले जो प्रेषित जन्म के संस्कार टकरा रहे हैं, जो संस्कार को पता नहीं चलता है ये किस तरह की आत्मा है जिसके साथ टकरा रहे हैं उसको पता नहीं चलता है, और अतीन्द्रिय छोटी शरीर जो छोटी हुई आत्मा है वो भी महसूस करेंगे राधा कृष्ण जैसे, अतीन्द्रिय जो है वो उन आत्माओं के लिए गाया हुआ है जो आत्माएं शरीर सहित पुरुषार्थ करती है, राधा कृष्ण की आत्माएं जब तक प्रवेश है तब तक ही वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे, तो फिर वो 16,000 जन्म ले लिया तो जन्म लेने के बाद उनका आंख का सुख किसके साथ बन गया, एक के साथ बन गया, औरों के साथ उनका दुख लेने का हिसाब किताब खत्म हो गया, 16,108 ये साकार होगी या शरीर छोड़ी हुई दोनों प्रकार की होगी, एक ही शरीर में दो तरह की आत्माएं काम करेंगी तो वो अपना हिसाब किताब उनका चलेगा नहीं, आधी तो होगी साकार चंद के द्वारा आधी तो शरीर छोड़ी होगी, हो सकती है कृष्ण की आत्मा का तो इतना लाइन पूजन है 11,000 कृष्ण का, तो वो अतीन्द्रिय सुख होने वाली नहीं है, बल्कि उनके लिए तो रात लीला गाई हुई है सारी, ये कुछ मैं आज ही साकार हुए आज शरीर छोड़ी होगी इसका, तो क्या हुआ है तो शरीर के अंदर ही, हाँ बिल्कुल, अगर सजा भी भोगेंगे तो शरीर के अंदर धारण करके सजा मिलेगी या मनबुद्धि से ही सजा खत्म कर देंगे, तो शरीर के द्वारा शरीर में प्रवेश करके जब सजा भोगेंगे तो सुख नहीं भोग सकते, अतीन्द्रिय सुख भी भोग सकते हैं, इससे पहले राधा कृष्ण के साथ में खेलकूद करने वाले बच्चे को कौन जन्म देगा, राधा कृष्ण जैसे बच्चों का परिवार जो है वो शरीर में दबने वालों से पैदा होगा, राधा कृष्ण जैसे बच्चे जो जन्म लेंगे वो शरीर में दबने वालों से होंगे, नहीं उनका जन्म राधा कृष्ण करेंगे, जो खेल पाल करेंगे जो रहेंगे वो आत्माएं होंगी जो कि शरीर जो बर्फ में दबने वाली होंगी, जन्म देने वाली आठ जो है जो आठ के लिए बोला है अष्टदेव वो शरीर में शरीर से दुख भोगते हैं क्या इस जन्म में, धर्मराज सजाएं खाते हैं, तो जो धर्मराज सजाएं खाते हैं उनसे तो कृष्ण राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होगा, कौन बोलिए, जिन्होंने अपने मन को बुद्धि को आत्मा को जाम कर दिया, अपनी आत्मा को ही जाम कर दिया तो उनका शरीर क्यों जाम हो, संकल्पों को जिन्होंने जाम कर दिया है संकल्प ही जाम हो गए तो शरीर को क्यों दबना पड़ेगा, शरीर जब दब जाता है व्रत के अंदर तो आत्मा थोड़े समय यात्रा होगी उसके बाद जाम हो जाता है, ये तो बर्फ के तो 35-36 में है ना भाई बर्फ में लगेगी, ये तो आठ तो हरी को भी तो जन्म देंगे आठ को जन्म देंगे, नहीं आत्मा है ना जो सजाएं नहीं खाती है
वो तो सबके पूर्व है ना। हाँ वो तो आता है, लेकिन उसके बाद भी तो जागृत में बच्चे भी तो होते ही तो। हाँ होंगे तो जागृत में पैंतीस छत्तीस में लगेगा ही नहीं बच्चे। और को हमको तो सजाए खानी पड़ेगी। कहाँ रामकृष्ण वाली आत्माएं और कहाँ प्रजा में आने वाली आत्माएं, अंतर तो होगा। कहाँ जन्म जन्मांतर के महाराजा बनने वाले और कहाँ जन्म जन्मांतर के नीचे पद पाने वाले, तो अंतर नहीं होगा। प्रजा को पैदा करने वाली आत्माएं ही पद में चली है, प्रजा में जन्म लेने, प्रजा को जन्म देने वाली आत्माएं ही पद में चली। बर्फ में दबने वालों की भी संख्या कोई जरूरी नहीं है कि 9 लाख ही होगी या 4.5 लाख भी होगी। बहुत से तो जहाज वापस ही चले जाएंगे। जब पूरा विनाश होगा तो आधे पापात्मा उस टाइम, आधे पापात्मा आधे पुण्यात्मा। तो पापात्मा देश वालों को सही छोड़ना पड़ेगा। जो भी इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन धर्म के छिलके वाले हैं, उनके ऊपर दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, तो उनको सही छोड़ना पड़े। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, वो स्वधर्मी है। बचना कहाँ हो गया, सही छोड़ेंगे तो बचेंगे कहाँ, वापस जाएंगे। आगे जो है वापस जाएंगे, उसी शरीर में वापस सूर्य है, फिर उसी शरीर में वापस प्रवेश करेंगे आप। जब दब गया, जब सारी सृष्टि पर एटम बम की बौछार हो गई, पृथ्वी डोल गई, नीचे से लावा निकला ढेर सारा सारी पृथ्वी में, और भूकंप आए, और भूकंप आने पर वो सब उथल पथल हो गया, तो थोड़े ही तो बचेंगे, सब कैसे बचेंगे। सात आठ का टाइम दिए, जगदम्बा और गंगा और ये वैष्णवी, ये तो नदियाँ तीन इकट्ठी तो होंगी ना। ठीक है, तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष नहीं होना है, छत्तर में तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई थी, सबके सामने प्रत्यक्ष हुई थी, सबके सामने प्रत्यक्ष हुई, या कोई विशेष आत्मा उनके सामने प्रत्यक्ष हुई है, विशेष आत्मा का गुण था उनके सामने, नंबर वार होना आपको प्रत्यक्ष हुई, ऐसे ही वैसे भी सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी सर, नंबर वार उनकी दुनिया अलग होगी, वहाँ असर नहीं पड़ेगा प्रकृति का, विकराल रूप का वहाँ असर नहीं पड़ सकता। माउंट आबू सन 36 तक रुकेगा ना, लास्ट में जाके सारी दुनिया खलास होगी, वो भी खलास हो जाएगा। फिर भी जो स्वर्ग का चैतन्य दुनिया बनेगी वहाँ असर नहीं होगा, क्योंकि वो बन के विजयमाला में ऐड हो चुके। अब वो चैतन्य कहाँ रहेंगे, कौन चैतन्य जन्म लेने वाले, जन्म लेने वाले कहाँ में दबे हुए हैं ना, कुछ कृष्ण वगैरह जो वो भी थारा के वहाँ बर्फ बर्फ नहीं काम करेगा, दुनिया ही अलग है। दरअसल दुनिया के बीच घर का वर्षा देता हूँ, जैसे कराची में कैंपल बनाया था, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, खून खार नदियाँ, खून की नदियाँ बही, तो उस टाइम भी 300-400 बड़े आराम से रह पड़े थे। सब 21-32 के लिए बोला ना कि उनकी जो कृष्ण का जन्म तो तब होगा, कब होगा दृष्टि है आप जो कृष्ण का जन्म हुआ है वो तो बाद में होगा, कृष्ण का जन्म वो तो 32 में होगा ना, 32 में बोला है, तो संसारी खत्म नहीं होगा, खत्म होगा तब, तब नहीं शुरू होगी,
या एक हाथ कहीं पे नहीं लग जाएगी? छत्तीस पूरा विनाश होने के बाद पूरा बर्फ बर्फ जम जाने के बाद फिर इकट्ठा सब सारे सब लग सभी हो जाएगा क्या? लक्ष्मीनारायण जी जी बोला है कोई ऐसे भी है जिनके 50 वर्ष कम हो जाए, ऐसी तो बहुत सी आत्मा है जिनके 50 से भी ज्यादा कम हो जाए, लेकिन कोई आत्मा ऐसी है जिनके 50 वर्ष कम हो जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने कितने वर्ष कम हो गए? 50 वर्ष कम हो गए। बाबा कृष्ण की आत्मा जो है स्त्री चोले माता कल्याण श्रेष्ठ क्या पूरी चल रही है जाती है तो माँ काली का पाठ बजाती है, क्योंकि ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की दुनिया में सबको सुख दिया, किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने ब्रह्मा को दुख दिया ना वो हिसाब किताब सौगुना दंड का जो भागी बने हैं वो हिसाब किताब कब पूरा होगा? सचिव को पूरा होगा, यही पूरा होगा ना, तो किसके द्वारा पूरा होगा? जिस बाप के रूप में पाठ बजाने वाले में शिव प्रवेश करते हैं वो तो सुख का सागर है, सुखदाता बाप है, विनाश करता नहीं, शंकर विनाश करता है क्या? असल संघारी देवता गाया हुआ है या शक्तियां लाई हुई है? शक्तियां लाई हुई है तो वो आत्मा प्रवेश करके उन असलों का ज्ञान में तोड़ता अलग कर देगी। ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा को नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? हिसाब किताब पूरा नहीं करेंगे, सौ गुना हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा। बाबा बोला कि साधनों के वशीभूत नहीं होना है, साधनों के वशीभूत नहीं होना है, जैसे किसी भी साधन के ऊपर निर्भर नहीं होना, साधनों के आधीन नहीं होना। तो ये क्या ये भी जल्दी खत्म हो जाएंगे स्पीड से पहले पहले? साधनों के जो जैसे है ये आवाजाही वगैरह साइंस के जो साधन है ये क्या जल्दी लोप हो जाएंगे क्या? पेट्रोल डीजल है अभी क्या हालत है? अभी मिल तो रही है फिर भी थोड़ा थोड़ा अभी बिजली की क्या हालत है? ये चली जाएगी बोल रही है ना, ऐसे ही सभी साधन धीरे धीरे लोप हो जाएंगे। ये बताया मेरे बाप दादा है जो टीवी में भी दिखाएंगे विनाश को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी अंत तक बढ़ती रहे वो बात अलग है, क्योंकि उसके लिए तो वायरलेस सिस्टम शुरू हो गया, सहज बात हो गई, लेकिन और जो चीजें हैं हाँ वो तो उनका तो लगातार बनी रहे ये कोई आशा नहीं, तो अभी से प्रैक्टिस होनी चाहिए सर्दी गर्मी बरसात सहन करने की, ऐसे नहीं कि ये मकान मकान ऐसे ही बने रहेंगे और मकानों का सुख लेते रहेंगे, ऐसे नहीं ये कपड़ा मिलता रहेगा कारखाने बने रहेंगे कपड़ों के कपड़ों का सुख मिलता रहेगा, ये भी छत्तीस से पहले लोग जाएंगे बहुत पहले, छत्तीस से पहले नहीं बहुत पहले, सबसे पहले कौन सा धर्म वाले मरेंगे? इस्लामी इस्लामी मरेंगे, अब जब इस्लामी मरेंगे तो अपने तेल के कुएं तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, तेल खराब हो जाएगा, पेट्रोल ही नहीं मिलेगा, डीजल ही नहीं मिलेगा, गैस ही नहीं मिलेगी, तब क्या हाल होगा? तो बाबा एक डिस्कशन में आपने बोला कि जितना विनाश होगा उतने साइंस वालों ने ज्यादा साधन निकालेंगे। हाँ निकाले निकालते रहे, आखिरी क्या होगा? बाबा जी कृष्ण सालों बोलते हैं, बाबा बोलते हैं कि बाबा कि बच्चों को माँ पिता की भाषा बोलनी चाहिए, ठीक है, हिंदी भाषा। हाँ तो कोई प्रश्न करता है कि ये बाबा इंग्लिश बीच में क्यों बीच में इंग्लिश क्यों बोलते हैं? बाबा विश्व पिता है, इंग्लिश में भारत पिता है,
समझेगा नहीं नहीं, जो बाप आया हुआ है शिव बाप वो विश्व पिता है, यह सिर्फ भारत पिता है। तो विश्व का पिता विश्व की आत्माओं के कल्याण के लिए नहीं सोचेगा? अरे खास भारत के लिए आया हुआ है और आम सारी दुनिया के लिए आया हुआ, तो सारी दुनिया में जो भाषा चल रही है उस भाषा को तिरस्कार कैसे किया जा सकता है? विश्व का पिता, विश्व में जो भाषा विशेष बोली जा रही है वो बच्चों के लिए सहयोगी है ज्ञान को समझने में, इसलिए उस भाषा को छोड़ा नहीं जा सकता। बाबा तुलसी राम जी और सुधर है, ये भगवान पूरी जीवनी लिख दी। भगवान जी पूरी जीवनी लिख दी क्या? पूरी जीवनी नहीं लिख दी रामायण ने, राम में राम ने अपनी पूरी जीवन का आठ कथा लिख दी है कि भगवान की जीवन कथा लिख दी। हाँ जी, अपने अपने शास्त्रों में अपनी कथा कहानियां लिख दी है, ये मुरली में बोला है, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी। मीरा ने जो कुछ लिखा, मीरा के जो भी पद है उससे क्या साबित होता है? मीरा ने अपना जीवन कहानी लिख दी। मणिपुर जन्म में वो जो थी संगम गुरु ने जो पार्ट बजाया है वो ही पार्ट की कहानी कथा कहानी सारी लिख दी। हाँ जी, ये ज्ञान सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे फैलता जा रहा है दुनिया में, तो ये ओजोन लेयर में जो छेद हो गया है इसका इससे संबंध है जिससे धरती पर इतनी गर्मी बढ़ रही है? क्या नहीं संबंध है? ये और छेद बढ़ता जाएगा इसका संबंध जैसे जैसे ज्ञान सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाएगा। प्रकाश नहीं बढ़ता जाएगा, ओजोन किरण फटने से बीमारियां ज्यादा बढ़ेंगी। ओजोन किरण जो है वो सीधी जो किरणें पड़ती है उससे बीमारियां ज्यादा बढ़ने की संभावना है, और जो ओजोन किरण बनी ओजोन जो फटता नहीं है ओजोन बना रहता है तो बीमारियां कम बढ़ेंगी, तभी को बीमारियां सुरक्षा रहती है। अभी तो छोटा ही खेद है तो आगे आगे। तो इतनी बीमारियां हैं आगे जब बड़ा हो जाएगा और आगे आगे। उसका कारण यह है ओज, ओज किसे कहते हैं? तेज है? ओज कहते हैं शक्ति को, तेज को। क्या मनुष्य के अंदर स्त्री के अंदर जो स्पेशल शक्ति है पावर है वो जब क्षीण होती है तो कहते हैं ओजहीन हो गया, और वो सुरक्षित रहती है तो कहते हैं ओजस्वी व्यक्ति है, ओजवान है, तेजस्वी है, वीर्यवान है। तो जो रज और वीर की शक्ति है वही ओज है, और आगे करके ज्ञान जो है वो अति को जाएगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो ज्ञान अति में जाएगा, या जैसा रूप है ज्ञान का वैसा ही बना रहेगा? अति में जाएगा। ज्ञान भी सतो रजो और तमो होता है। बाबा कंपनी में भी बाबा सब सच जाएंगे क्योंकि इतने वर्षों से जा नहीं रहे, तो ये भी दिन समय आएगा नहीं जो कभी बाबा पहुंचेंगे वहां कंपनी में? कोई खतरा होगा इसलिए कब से कंस के दरबार में क्यों नहीं गया? गाँव में क्यों छुपता थे? कोई खतरा होगा? राम जंगल में क्यों रहे? रावण के रावण की नगरी में जाके क्यों नहीं बच रहे? शंकर भगवान और सारी दुनिया में मारे मारे क्यों फिरते रहे? भागे भागे क्यों फिरते रहे? कोई खतरा होगा? नहीं, मैंने अंत तक पहुंच तो जाएंगे ना। हैं? अंत तक पहुंचेंगे नहीं बाबा कंपनी में एक बार? वो माउंट आबू है, विराट मधुबन, महामधुबन, और जहाँ भीष्म पाक में तैयार होती है वो है मिनी मधुबन। तो जो वहाँ के लिए वो वहाँ के लिए, यहाँ के लिए भी जादू होता है। बाबा ये आज तक पहुँच जाएंगे?
रखा है तो वहाँ जाएंगे तो इसका मतलब कंपनी में भी जाना होगा। ये प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? बाबा आपने बोला ना कि जो होती है ब्रॉड प्लास्टिक में वो जो बुद्धि पहुँच रही है वहाँ बुद्धि में पहुँच करके वो वहाँ क्यों लटक रही है? कब तक बाबा पूछेंगे? आज में दो में सब में क्यों आज के बाद इस बार खत्म नहीं होगा कि आप बाबा तो कभी पहुँच सकते हैं? बताओ कल पहुँच जाएंगे, ये क्या बड़ी बात है? गुप्त में तो कभी भी पहुँच सकते हैं। सारी दुनिया के लिए प्रत्येक जरूर है, सारी दुनिया के लिए ब्रह्मा कुमारी अपना तो अपने हम बाबा के साथ कब जाएंगे? नहीं वो तो हो गया, लेकिन ब्रह्मा कुमारी प्रत्येक में आएगा, आपको कैसे प्रत्येक हो गए? 2000 के आस पास ही बोल दिया था अद्वैतवाणी में, दुनिया वालों की नजरों से बाप दादा गुप्त हो गए और बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो गए। ये 98 से 2000 के बीच की वाणी है। अभी भी ऐसे ही फिर बीच में यही भी बोल दिया, जो बच्चे ज्ञान में चलने वाले भी हैं फिर भी अगर क्रोध करते रहेंगे तो उनसे बाप दादा नहीं मिलेंगे। जन्म होगा जन्म होगा तब आप आपके अस्तदेवों की लिस्ट में आ जाएंगे। कृष्ण का जन्म होगा तब तक अस्तदेवों की लिस्ट में नहीं आएंगे? आप पूछ रहे हैं तो आएंगे जरूर। कंचन काया बना रहे हैं, ये कह रहे शरीर छोड़ देंगे, उनका बाबा तो कंचन काया बना रहे शरीर छोड़ने के लिए। थोड़ी कह बाबा ने बोला बर्नी मार का अगर थोड़ा भी संस्कार रहा है, अगर अगरबत्ती भी जलाई टीकी भी लगाई ये कुछ भी किया हाथ पे जो मोली कुछ होती है वो भी तो भक्ति लाई हुआ तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। और भी संस्कार रहा कितने ज्ञान में चल रहे हैं, संस्कार रहा अगर भक्ति मार का और वो 100 कोई भी संस्कार 100% परिपक्व हो गया उसी समय तक छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये तो बिल्कुल संस्कार नहीं रखना, मंदिर के आ जाए तो हमें झुकना नहीं है, ये ऐसे गर्दन भी झुका देते नहीं नहीं हमें दिखाई पड़ता है यहाँ झगड़ा होने की संभावना है तो हम गर्दन झुका रहे हैं अंदर से, हम बुद्धि ऊपर पहुँच जाए बाबा के यहाँ से चले जाओ, बाबा के नजरों के सामने पहुँच जाए तो हमारा जो कि नुकसान किया हुआ खाने के लिए। अभी ऋषिकंद में बताया कि बिंदी काजल भी लगाओगे तो शरीर तो ना, लेकिन अब माँ तो परिवार में है शादी का बता दिया बाबा ने तरीका, ये थोड़ी बहुत बिंदी बिंदी तो लगा के जाए पता का लगा रहते हैं तो घर में रहते हैं तो भी लगा रहते हैं तो ये तो एक कहने की बात हो गई, लेकिन अगर घर में भी रहे पड़े हैं सारे ज्ञानी हैं और वहाँ बिंदी लगा रहे हैं कंगन पहन रहे हैं रोज कहना पड़ता है बाबा 4-5 चूड़ियाँ चेंज करते हैं कभी सही बात है। आपको डर लग रहा है कहीं सही नहीं तोड़ते हैं? लेकिन जब बाबा का इतना ज्ञान मिल गया तो हमें उस हिसाब से जीना चाहिए। दुनिया वालों में हमारे में क्या करना है जबरदस्ती पहना थी बाबा या अंगूठी निकाल दी थी सब निकाल के फेंक दी थी? अरे आपको थोड़ा अंगूठी जो पहना थी उतार दो बाबा को जबरदस्ती पहना देते हैं उनकी भावना रखनी पड़ती है नाराज हो गए तो यही दुनिया वालों के प्यार के कारण तो वो समय ना बाहर जाओ यहाँ समय घर में नहीं रखना बाबा ने भी शंकर कांडव नृत्य करता है अभी नहीं करते कैसे मतलब जो तांडव नृत्य करते हैं करते हैं अभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं करते हैं या कर रहे हैं तो उसका प्रभाव किसके हो किसकी पिटाई हो कार माने पिटाई नहीं नहीं वो अगर किसी को रूप क्यों पसंद लगता है किसी को पसंद आता है वो रूप
तो वो पसंद है तो बोले मुझे क्यों है वो पसंद आनंद व्यक्ति उनको पसंद होगा जिनके अपने ऊपर डंडे नहीं पड़ते होंगे दुनिया के ऊपर डंडे पड़ रहे हैं तो ये असुर संगानी का है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ काली काली जिनको जो अच्छा लगता है वो उसी कुल का होगा ना उनको कुमार का दादी बहुत अच्छी लगती है कुमार का दादी अगर बहुत अच्छी लगती है तो किसके कुल के हुए दादी कुल के हुए महाकाली अच्छी लगती है तो महाकाली की बुझा जरूर बनेगी महाकाली अच्छी नहीं लगती है अच्छा लगता है तो जब वो डांस करेगी तो उसके सहयोगी बनेगी खुद बाबा अगर योग में बाबा के साथ डांस कर रहे बाबा के साथ में डांस कर रहे हो ऐसा योग में अनुभव होता तो ज्ञान डांस होता है योग डांस थोड़ी होता है डांस में तो चंचलता होती है फूल डांस में भी चंचलता होती है शरीर तो स्थिर होता है ज्ञान जो है वो डांस कहा जाता है योग का डांस नहीं होता है योग तो वो उसमें डांस की बात नहीं है चर्च फर्च की बात नहीं है सारी केरला का आत्मा जो माउंट आबू में इकट्ठी होगी कहते हैं कि एक चूल्हे पे खाना खाएगी तो क्या इतनी व्यवस्था होगी कि चूल्हे पे सब लोग खा लेंगे या ऐसे क्या अलग अलग घरों में बना खाएंगे क्या होगा जब 25,000-40,000 की व्यवस्था हो सकती है तो खाना केरला की व्यवस्था नहीं हो सकती हो जाएगी बाबा बैठा है वो तो 2-4 दिन के लिए आते हैं जो हमेशा वो तो 2-4 दिन के लिए आते हैं तो 4.5 लाख के आप समझते हैं कि अभी से शुरू हो जाएगी 4.5 लाख मारे ना अंत तक पहुँचे बाबा शंकर का तुषार इतना तीव्र जो उसको नेक्स्ट टू गॉड शिव कहते हैं तो उनका नाम पार्वती से आगे रहते हैं लेकिन बाबा कहते हैं कि नारायण ही सत्य है लक्ष्मी भी उसके आगे नहीं है तो लक्ष्मी को नारायण के आगे क्यों ये कि बिना लक्ष्मी के नारायण बन ही नहीं पाता लक्ष्मी समान संसार की जब तक सहयोगी न बने तब तक इंद्रियों पर जीत पूरी नहीं हो सकती पूरी जीत पाने के लिए समान सहयोगी चाहिए लक्ष्मी तो उनके बाद आती है दिव्य उनका नाम आगे है प्योरिटी में ज्यादा तीखी नहीं है जो प्योरिटी में तीखा होगा वो आगे नहीं जाएगा नहीं जाना चाहिए इम्प्योर है तो नाग रगड़ते हैं राधा का नाम जो पवित्र है तो आगे बढ़े राधा भी नाम कृष्ण से आगे आता है अरे राधा और कृष्ण वो तो संगम युगी कृष्ण और राधा की बात है ना जो संगम युगी कृष्ण है तो ही शंकर है तो ही प्रजापिता है तो ही नारायण है सभी चारों नामों को नेक्स्ट शिव कहा गया है नारायण भी नेक्स्ट शिव है शिव के बाद उसका नंबर नारायण का कृष्ण भी नेक्स्ट शिव है तो कौन सा कृष्ण संगम युगी नेक्स्ट प्रजापिता नेक्स्ट शिव प्रजापिता कौन सा प्रजापिता दूसरे दूसरे धर्मों का प्रजापिता नेक्स्ट शिव शंकर ये चारों हस्तियां हैं तो एक ही व्यक्तित्व बाबा कृष्ण वाली आत्मा ने तो शरीर छोड़ सूक्ष्म रूप में हाँ तो युद्ध युद्ध से भाग गई क्या विकारों की युद्ध से भाग खड़ी हो गई क्या चली गई युद्ध स्थिर तो है ना युद्ध में स्थिर तो है सूक्ष्म क्यों साकार शरीर नहीं है बाबा जो अंत में जय जयकार होगी आप नई दुनिया अलग से बनेगी तो अंत में जो जय जयकार होगी तो हम जो पुरस्कार की है उनको तो वो दुनिया वो चीज तो अपन देख नहीं करेंगे नहीं सुनी देवता बन रहे हैं जैसे अपन प्रसाद करके तो देवता बन रहे तो कहते हैं कि लास्ट में पूरी दुनिया जय जयकार करेगी तो जैसे जिस रूप में देनी है
जगदम्बा है तो जगदम्बा तो अलग दुनिया में रहेगी, वो इस दुनिया में तो रहेंगी नहीं, इस दुनिया में नहीं रहेंगी, इस कलयुग की दुनिया में क्यों सारी दुनिया को पैसा नहीं है पैसा नहीं होगी तो जो मान लो अभी जो रिश्तेदार पड़ोसी अड़ोसी हैं ये सब थोड़ी पहचानेंगे भाई जब व्यक्ति पे प्रत्यक्ष हो गया और भगवान को आप मानने वाले हैं तो आपके नाते रिश्तेदार आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। सारी दुनिया ने अखबारों ने टीवी वालों ने रेडियो वालों ने सबने मान लिया, सबने स्वीकार कर लिया, अखबारों में मेहमान निकलने लगी तो वो आपके घर वाले नहीं पढ़ेंगे सुनेंगे देखेंगे उससे पहले प्रतिष्ठा नहीं होगी। वो भी होगी अभी अभी ब्राह्मणों की दुनिया में जब आपको ज्ञान मिला आप ज्ञान में पैदा हुए एडवांस में तो आपकी गिलानी नहीं हुई। बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में आपकी गिलानी हुई कि नहीं हुई? नहीं वो तो ठीक है बाबा ये पहले गिलानी हुई की हर की हर चीज प्रोटेक्शन जाएगी बाबा जी एक दो में वही आ जाएगी भाई बाबा आगे हथेली पाँव जमाया जाएगा क्या है हथेली पाँव थोड़ी जमाया जाएगा तो धीरे धीरे बाद में टाइम तो लगेगा में बाप आ गया तो सबके लिए आ गया क्या नहीं तो अखबार तो पूरी दुनिया में ही रहेगा ना। अच्छा तो अखबार सारी दुनिया में रहेगा लेकिन पहचान दिलाने वाले सारी दुनिया में रहेंगे लेकिन पेपर के अनुसार पढ़ेंगे दिलाने के पास टूटेंगे पेपर के अंदर पेपर दें तो दुनिया में पास टूटेंगे। हाँ जी पेपर से गिलानी होगी उसी पेपर से महिमा भी जल्दी निकलेगी कि दो चार पाँच साल बाद टाइम तो लगेगा एकदम नहीं हो जाता है काम तैयार हो जाओ सुनने के जैसे मुझे ने बोला कि मैं सड़क की रचना या सच नहीं करती तुम ग्रामों के द्वारा रखता हूँ या तुम बच्चों के द्वारा मैं रखता हूँ तो ये पीके वालों के लाभ होते हैं। अरे ये भी नहीं अभी पूछने की बात रह गई बीके वाले ज्यादा पावरफुल है या एडवांस वाले ज्यादा पावरफुल है लेकिन उनके सहयोग के बगैर वो काम होगा नहीं अपनी स्टेज पर बुला रहे अभी तो बोला अगले सवाल में बनी बनाई स्टेज आपको मिले बनी बनाई और प्रैक्टिकल अनुभव करे नंबर वार्तालाप में बाबा ने ऐसा बोला कि हमारा विनाश कभी भी हो जाए लेकिन अनिश्चय बुद्धि तो विनिश्चयती होती है। बाबा ने ऐसे कैसे बोला कि हमारा विनाश कभी भी हो जाए कभी का विनाश कभी हो जाए तो पता है क्या बाबा तो अंत तक रहेंगे ना बाबा अंत तक रहेंगे हाथ पाँव लंजम पुंजम हो जाए तब क्या करेंगे हाथ पाँव लंजम पुंजम हो जाए तो मैया हो जाए बना रहे आपको जो आपकी बात का जवाब दिया आपकी आपको बोला क्यों आपकी बात का जवाब दिया रास्ता चलते तो ट्रक ऊपर चल जाता है कभी भी चल सकता है बाबा जी हम ये नहीं कह रहे हैं कि शिव चला जाएगा शिव बाप चला जाएगा नहीं कहा ये है कि हमारा विनाश बने तो मुकुल रहता है ना ये कहो ये भाग्यशाली रहता है भाग्यशाली हाँ भाग्यशाली रहता है और भाग्यशाली रहते की दुर्गति हो जाए
ये संभव नहीं। हमारा का मतलब ब्राह्मण एक सामान्य रूप से बात कहती सबकी तरफ से, हमारा का मतलब ये नहीं है एक पर्सन व्यक्ति का, एक व्यक्ति का खुद के लिए तो बाबा बोलते नहीं, हमें कहते हम बच्चों के लिए तो बाबा भी आते हैं बच्चे। बाबा जैसे मुरली में कहते हैं कि आदि से जैसे आदि से वहाँ वहाँ चलो वहीं से होगा, वहीं से होगी कलकत्ता, आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा, जाओ तो कलकत्ता दिल्ली है स्थापना करेगा। ये तो कह रहे हैं क्या माँ काली अच्छा लगता है सुबह जैसे अमृत वेला के टाइम पे है ना, उठना चाहते हैं, उठाव आता है कि उठे, लेकिन खूब तेजियां फिर में दर्द जिस तेज होता है ऐसा लगता है कि अभी उठ रहे हैं जरा सी देर को दबा के ले जाए, तो फिर सुबह से ऐसे लेटे लेटे तो मनन चिंतन करते हैं, तो करते करते फिर बस ऐसे नींद आ जाती है, सो जाते हैं, मतलब अमृत वेला उठ के जो करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता, तो उसकी जगह क्या करें, काम करना शुरू कर दो। नहीं वो दर्द इसकी तेज होता है तो लगता है जैसे जरा सी देर ऐसे दबा के नस को दबा के अपन लेट जाए, तो फिर वो बस उस समय तो फिर लेटना तो लेटना ही है। आप किसी गांव में हैं, अब आपको पता चला है कि हमारा बच्चा उस शहर में हॉस्पिटलाइज हो गया, क्या बच्चा या माँ या बाप या कोई भी, हाँ कोई भी बच्चा, आपको पता चला कि ऐसा हो गया, अब आपकी ट्रेन निकल रही है रात को 1 बजे, जगेंगे चाहे सर में दर्द हो कुछ भी हो तो भी जगेंगे ना, जाएंगे ना, ऐसे यहाँ मुझे भी बैठे कि शिव बाबा हमारा बच्चा है, हाँ शिव बाबा हमारा बच्चा, हम तो आराम से रहे पड़े, हाँ शिव बाबा बच्चा, बहुत तकलीफ हो रही है, तो नींद आई सभी मिनी बदवन की यही हालत है, जब उन्हें ये पता चल जाता अगर एक रात पहले ये बाबा आने वाला है तो उनको रात में नींद, अगर कोई को रात में नींद आती है तो इसका मतलब वो दूर के हैं, नजदीक के नजदीक नहीं, एक मिनट भी नींद नहीं आई बाबा बिल्कुल भी, टाइम तो पता ही नहीं चला बाबा, नहीं तो रोज 9:30 बजे तो क्या सो जाओ जल्दी से सो जाओ, हाँ पता ही नहीं क्या गोपाल भाई को पहले टाइम बताया 4:30 बजे गाड़ी आई है, फिर बताया नहीं 2 बजे आएगी, 2:30 बजे आएगी, तो बजाय 2:30 बजे की 1 बजे नहीं पहुँच गई, ऐसा क्या बाबा के ये फूल जन्मों का हिसाब किताब है, इन आत्माओं का ये सब जन्म का जैसा जैसा हिसाब किताब है उस हिसाब के अनुसार उनको भी हो जाती है। ऐसे कुमारका दादी के साथ जिनका हिसाब किताब होगा फूल जन्मों का त्रिकर जन्मों का, वो आत्माएं उनके आने की आहट सुनेंगी और उनको रात भर होनी जन्मों का हिसाब किताब है। ज्ञान का युद्ध लोहा लेने की कोशिश करते बिल्कुल आते ही नहीं है, हमने कहा 2 साल के बाद में आप ही है जो सबको बुलाओगे, मैंने कहा और फिर कहेंगे हमें टाइम नहीं है, मैंने कहा देख लेना वो समय आ रहा है, बोले ठीक है देखा जाएगा, जब मुसलमान भीख मांगेंगे भूलने में बोला है, वो कौन से मुसलमान है जो पहले भीख मांगे, ब्राह्मण दुनिया के अंदर के हैं कि बाहर के हैं, नहीं बाबा घर की बातें सुना क्या है, घर की बातें सुना क्या है, एकदम सेंड करके सामने ही बिल्कुल नहीं तो वर्णा कुमारी की वो तो टिकी नहीं बाबा, फिर मुरली की बात बोलते हैं तो नहीं उसकी है, वो चली नहीं फटाफट होगा, अब जब बाबा ने बोला है कन्या आश्रम के सामने ही सेंटर खोल दो
तो कोई तो निकलेंगे जो हर संन्यास ब्रह्म संन्यास आश्रम के सामने से बोलते जाएंगे, तब क्या हाल होगा? अभी एक दो जगह जहाँ खुला वहाँ से तो एक दो साल के अंदर वो भाग गए, और जहाँ जहाँ खुलेंगे वहाँ संन्यास आश्रम के सामने से खुलते जाएंगे, तब क्या हाल होगा? सच्चाई करके सर के ऊपर करके बोलती है, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता हमेशा। दो है एक में काफी हुआ था ना हंगामा, एडवांस का काफी निकल के आए थे एडवांस वाले, बीके वालों में काफी हंगामा हुआ था, अभी दो तीन साल से काफी शांति मिल रही है, तो काफी आमने सामने कब शुरू हुआ? घमासान होता है, घमासान की शूटिंग कौन से युग के द्वापर में कब? द्वापर में जो राजा महाराजा उनका हुआ, राजा महाराजाओं का दूसरा धर्म, दूसरा धर्म के आए जब मुसलमान आए, हाँ तो द्वापर के अंत में आए ना, हाँ कहीं आया मोहम्मद बिन कासिम, हड़बड़ी मचा दी आगे पहला आक्रमण उसका हुआ था, उसके बाद आया मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी सोमनाथ के ऊपर आक्रमण किया, और उसके बाद फिर आक्रमण के ऊपर आक्रमण होते ही बाबर वगैरह साम्राज्य मुगलों का आ गया। हाँ जी, तो ये शूटिंग यहाँ कब हुई? एडवांस पार्टी में 98 में शूटिंग हुई, इसीलिए हंगामा हुआ, तो बोले एडवांस तो 98 में हुआ बड़ा हंगामा, तो 98 में द्वापर का अंत नहीं है शूटिंग के हिसाब से? हाँ जैसे बीके और जैसे एकदम से ज्यादा उठे भी एडवांस वाले 2002 में और दो में 2002 और 2003 एक के दो के लगभग एडवांस का काफी अभ्युदय हुआ ना, जिससे बीके वालों को भी जानना पड़ गया एडवांस पार्टी हुई चीजें शंकर पार्टी हुई, पहले शांति इतनी दुनिया नहीं जानती थी। कोई भी बड़ा विनाश होता है तो उसके बाद तेजी से उत्थान होता है, जैसे हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बम गिरे तो सबसे ज्यादा तैयारी कौन से देश ने की? जापान ने तैयारी, जापान बहुत आगे बढ़ा ऐसे ही। वापिस जमाधान कब शुरू होगा? मतलब बीके एडवांस जमाधान मतलब वापिस जमाधान कब शुरू होगा? बीके एडवांस मतलब धीरे दर्द, क्योंकि सन 2002 ऐसे भी काफी जो है उसका वक्त प्रचार एडवांस का प्रचार 2001-2003-04 तक ऐसा था कि बहुत ज्यादा एडवांस का उत्थान भी हुआ और काफी प्रचार प्रसार भी हुआ बीके में बाहर में, अभी 3-4 साल से काफी शांति रही भी है, तो वापिस उत्थान कहो या एक वापिस प्रचार प्रसार प्रत्यक्ष तक कहो, उसके लिए जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे विनाश भी मुख्य वितरान पकड़ता जाएगा, अपना कम तो बिना चुनाव, यही कहें जैसे जैसे योग बल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बिना क्रीड़ा भी बढ़ती जाए। चलो पढ़ने